समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ संत युग। मुल्लाओं से किनारा, अब संतों का सहारा। 2022 का यूपी चुनाव अभी 7 महीने दूर है, लेकिन इसके घमासान की धमक ऐसी कि अपने राज में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के वर्तमान मुखिया अब राम की बोली बोलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य प्रतिनिधि ब्रह्मचारी रामानंद जी से मुलाकात की और 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद लिया। सबको आजादी है, कोई किसी से मिले, किसी का आशीर्वाद ले, ये उसकी मर्जी, लेकिन इतने बड़े हृदय परिवर्तन की वाजिब वजह ना मिलना किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। पहले सुनिए अखिलेश का हिंदुत्व से नफरत का वो उभार। मैं उन लोगों को क्या कहूँ जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं? आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप, क्या आप चंदा जीवी नहीं है? लेकिन यूपी चुनाव की आहट नहीं, ऐसा उलट पुलट किया कि हिंदुत्व को नकारने वाले अखिलेश राम नाम जपने लगे। जिसके लिए दिल में नफरत हो, इनकार हो, उसके लिए सियासी मजबूरी में होठों पर इकरार कैसे दिखता है, ये सुनिए। समाज का जो हमारा ताना बाना है या जो हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, उसके तहत सभी वर्गों को जोड़ करके आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। समाजवादी बबुआ का ये दांव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी पंडितों को भी चौंका रहा है, लेकिन अब अखिलेश मंदिर मंदिर जाने लगे हैं, राम राम जपने लगे हैं, साधु संतों से भेंट मुलाकात सार्वजनिक होने लगी है। दरअसल जब नफरती भाईजान ने यूपी में 100 सीटों पर अकेला लड़ने का पासा फेंका तो अल्पसंख्यक वोटों के बटने और अपनी पकड़ कमजोर होने के डर से अखिलेश मुल्लाओं से किनारा कर अब संतों का सहारा लेने की कोशिश करने लगे हैं। भगवान की मूर्ति का है वो, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, तो वो उनका फैसला है, हमसे जो सहयोग चाहेंगे वो हम सहयोग करेंगे। वैसे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का सियासी झुकाव किसी से छिपा नहीं है, इसलिए जब उनके शिष्य प्रतिनिधि ब्रह्मचारी रामानंद जी ने अखिलेश से भेंट की तो उन्हें स्वामी स्वरूपानंद की ओर से शिवलिंग, स्फटिक और रुद्राक्ष की माला भेंट ही नहीं की बल्कि उन्हें बेहतर नेता भी बताया। सवाल है, विपक्ष ने तो अभी चुनावी शंख फूंकना शुरू किया है, लेकिन उनका मुकाबला उस बीजेपी से है, उस नेता से है जिसे हिंदुत्व की बात करने में कभी कोई संकोच नहीं रहा। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब देखना है कि सियासत के लिए झूठी छवि गढ़ने का बंगाल से आयातित सियासी फार्मूला उत्तर प्रदेश की जनता को कितना हजम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।